पूरे प्रदेश सहित विकासखंड मुख्यालय फरसगांव में भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 25 जुलाई से 29 जुलाई तक दो सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज 25 जुलाई से 29 जुलाई तक दो सूत्री मांगों को लेकर फरसगांव नगर के जनपद स्कूल मैदान में धरना प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा दो सूत्री प्रमुख मांग में 12% लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि से एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देय तिथि से मिलने की मांग को लेकर फरसगांव विकासखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। फरसगांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं भास्कर वर्मा, ब्लॉक संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन शाखा फरसगांव। हम लोग विगत 25 से लेकर 29 जुलाई तक कर निश्चितकालीन अवकाश लेकर हम लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी दो सूत्री मांग कि केंद्र के समान डीए और गृह भाड़ा भत्ता, वर्तमान में सरकार के द्वारा 4 प्रकार का महंगाई भत्ता यहां पर दिया जा रहा है। बिजली कर्मचारियों को 34%, आईएएस कर्मचारियों को 31% और हम लोगों को 22% तथा पेंशनर जो हमारे साथी हैं उनको मात्र 17% डीए जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। लगातार हम शासन से मांग करते आ रहे हैं कि हमको भी केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए, पर सरकार हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। इससे सभी कर्मचारी आक्रोशित होकर उन्हें चेतावनी देते हुए 5 दिवसीय हम निश्चितकालीन इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं।